Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we will see the chapter number 2 of class 8th, Geography NCRT. Name of the chapter is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So let us begin. So firstly let us see what is land. Bhoomi, zameen kya hai, right? So land is among the most important natural resource. It covers only about 30% of total area of land surface and all part of this small percentage are not habitable. Ab hamari jaisi book ka hi naam hai resource and development. इसलिए हम लैंड को यहाँ पे स्टडी करेंगे एज अ रिसोर्स, राइट? सो लैंड आपको पता है क्या है, पीस ऑफ जो भी आपका लिथोस्फीयर है वो लैंड है, राइट? सो जो लैंड है इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. जो लैंड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है प्राकृतिक आपका रिसोर्स है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ लैंड सर्फिस. जो लैंड है वो कवर करता है 30% अर्थ का सरफेस, जिसमें से भी जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ लैंड है वो हैबिटेबल है, यानी कि बहुत ही कम भूमि पे ऐसी जगह है जो रहने लायक है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड मेनली ड्यू टू वेरिड करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. अब आप देखोगे जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैंड पे अनइक्वल है, इक्वल नहीं है. क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग तरह की लैंड है, अलग तरह का क्लाइमेट है, राइट? सो अमंग टोपोग्राफी स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग डेजर्ट आर थिक फॉरेस्ट एरियाज आर नॉर्मली स्केर्सली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेटेड. आप इसमें जो है ये जो है आपका टोपोग्राफी जो स्टिप स्लोपी एरियाज है, माउंटेन्स वाले जो रीजन है आपके, डेजर्ट वाले जो रीजन है या फिर जहाँ पे थिक फॉरेस्ट है, वो ऐसे एरियाज है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, राइट? जबकि हम बात करते हैं प्लेन्स की, रिवर वैलीज की, ये ऑफर करते हैं सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. सो क्या कह रहे हैं कि जो प्लेन्स एरिया है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, राइट? जो रिवर वैलीज़ हैं और जो प्लेन्स है वहाँ पे क्या होता है, रिवर वैलीज़ में आपको एक तो फर्टाइल लैंड मिलेगी, दूसरा आपको वाटर मिल जाएगा. दो चीज़ें ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा होती है, राइट? मूविंग फर्दर, लैंड यूज़ की जब हम बात करते हैं कि लैंड को हम किस किस तरह से यूज़ करते हैं, सो लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर के लिए हम लैंड को यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, हाउसेज के लिए, रोड्स के लिए, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए, एंड जो डिफरेंट यूज़ है लैंड का वही एक्चुअल में लैंड यूज़ है. यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए जब हम लैंड को यूज़ करते हैं दैट इज़ टर्म्ड एज लैंड यूज़. So the use of land is determined by physical factors such as topographic, soil, climate, mineral and ये beauty of water नहीं है, sorry, और availability of water है. So land का हम किस तरह से use करेंगे वो physical factors पर depend करता है और human factor पर. physical किन factors पर, topography, terrain, surface कैसा है, hilly है, plain है, किस तरह का है, सॉइल वहाँ की किस तरह की है, क्लाइमेट किस तरह का है, मिनरल है कि नहीं वहाँ पे, वाटर अवेलेबल है कि नहीं. सो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है लैंड का यूज़. ये आपकी फिजिकल चीज़ें हैं जिन जो कि लैंड यूज़ पे डिपेंड करती है, राइट? सो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न. अब जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है और जो टेक्नोलॉजी है वो भी डिटरमाइन करती है कि लैंड को हम किस तरह से यूज़ करें, राइट? सो लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. लैंड को हम जो है ओनरशिप के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ प्राइवेट लैंड, एज अ कम्युनिटी लैंड, राइट, एज अ इंडिविजुअल लैंड.
सो जो प्राइवेट लैंड होता है वो आपका इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन का, वेयर एज जो कम्युनिटी लैंड होता है आपका दैट इज़ ओन्ड बाय कम्युनिटी, वो एक पूरी सोसाइटी की लैंड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स के लिए कोई एक ही एरिया है, नट्स के लिए, मेडिसिनल हर्ब्स के लिए, दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेजिंग के लिए एक बिग सा ग्राउंड होता है, उसमें सभी के जो पशु हैं वो चरते हैं, तो वो कम्युनिटी लैंड है। बट जो एक खेत है जहाँ पे एक व्यक्ति जो है एग्रीकल्चर का काम करता है, अपनी क्रॉप्स उगाता है, वो उसकी अपनी इंडिविजुअल लैंड होती है, राइट। सो मूविंग फर्दर, लैंड यूज में ही हम बात करेंगे। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग अप, बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज इन अर्बन एरियाज एंड क्विक स्पेंट एग्रीकल्चर लैंड एरियाज। सो इसमें क्या है लैंड यूज़ का, पीपल जो है उनकी डिमांड्स जो है काफ़ी ग्रो हो रही है, राइट, बट लैंड जो है हमारे पास वो लिमिटेड है। एंड जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो भी डिफर करती है प्लेस टू प्लेस, सभी जगह जो है फर्टाइल लैंड नहीं होती है, राइट। पीपल स्टार्ट एनक्रोचिंग कॉमन लैंड्स, जो पीपल ने जो है जो कॉमन लैंड है जो गवर्नमेंट के अंदर आती है लैंड, उसको एनक्रोच करना स्टार्ट कर दिया कमर्शियल एरियाज़ को बनाने के लिए, अपने घरों को बनाने के लिए अर्बन एरियाज़ में, और रूरल एरियाज़ में अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के लिए जो है लोग कॉमन लैंड को जो है एनक्रोच करते हैं। सो टुडे द वास्ट चेंज इज द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। सो आज जो है हम लैंड अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं, तो ये दिखाता है कि किस तरह से कल्चरल चेंज हुआ है हमारी सोसाइटी में, राइट। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड यूज, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लीड अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेस्ट कवर एंड अरबन लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग देयर नेचुरल रिसोर्स। सो एज यू ऑल नो, एज द पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो इंक्रीज हो रहा है, उनकी जो डिमांड्स है वो भी टाइम के साथ जो है इंक्रीज होती है, एट द वेरी सेम टाइम जो है वो चेंज भी होती है। सो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो गया है पीपल की डिमांड्स की वजह से, जो हमारे पास रेस्ट, हमारे पास लैंड है या फिर अरबन लैंड है, तो हम लूज़ कर सकते हैं, वो इस स्थिति में पहुँच गई है अभी, राइट। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। सो जो लैंड हम अभी डिग्रेड कर रहे हैं, तो उसका जो भूमि का जो डिग्रेडेशन है हमें वो चेक करनी चाहिए। नाउ हाउ वी कैन चेक, एफॉरेस्टेशन, वन रोपण, वृक्ष लगा सकते हैं हम लोग, एंड दी लैंड रिक्लेमेशन, भूमि सुधार के द्वारा, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, एंड चेक ऑन ग्रेजिंग। कम से कम अगर हम फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करें, ओवर ग्रेजिंग को अगर हम कम करें, दीज आर सम ऑफ द कॉमन मैथड जिससे कि हम जो है लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, राइट। मूविंग फर्दर, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सॉइल, बिकॉज सॉइल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो नेचर ने हमें दिया है। सो द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो थिन जो लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, जो कवर करती है अर्थ का सरफेस, दैट वी कॉल्ड सॉइल, राइट। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द लैंड, ये लैंड से बिल्कुल लिंक्ड होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, जहाँ पे जिस तरह का लैंड फॉर्म होता है वो वहाँ की सॉइल के टाइप को जो है डिफाइन करता है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। जो सॉइल है वो आपके कैसे बनती है, ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, एंड जो रॉक वेदर्ड होती है, जो जो है चट्टानें जब टूटती फूटती हैं, जब चट्टानों का अपक्षय होता है, तो उससे जो है सॉइल बनती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, जो वेदर्ड होती है रॉक्स, ये किसकी प्रोसेस के थ्रू होता है, वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू, एंड द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। जब राइट अमाउंट में मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मिक्स होता है, तब जो है सॉइल आपकी फर्टाइल बनती है। तो ये आप देख रहे होंगे, दिस इज़ कॉल्ड योर सॉइल प्रोफाइल। यहाँ पे हमारे पास पेरेंट रॉक है, देन वेदर्ड रॉक मटेरियल है, देन सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, एंड
देन आपका टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, ये है आपका सॉइल का जो है प्रोफाइल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द प्रेजेंट अपेरेंट रॉक. सॉरी, सो जो फैक्टर्स डिफाइन करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन को, पहला है हमारे पास पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक किस नेचर की है वो अफेक्ट करता है. क्लाइमेट किस तरह की है, क्लाइमेट के जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं. अदर फैक्टर जैसे आपकी टोपोग्राफी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल, टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन, ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के हो सकते हैं, राइट. ये है आपका फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन. तो आपके पास पेरेंट रॉक है जो कि डिटरमाइन करती है कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कॉन्टेंट एंड परमीबिलिटी. देन आपका क्लाइमेट है, इसमें टेम्परेचर, रेनफॉल जो इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस. देन टाइम है आपके पास, दैट डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल. देन वी हैव फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, कितना ह्यूमस बनेगा कितना नहीं बनेगा, राइट. रिलीफ क्या डिफाइन करता है कि कितने ऑल्टीट्यूड पे स्लो कैसी है, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कितनी वहाँ पे टिकी रहेगी, राइट. अगर स्लोप एरिया होगा तो सॉइल बह जाएगी, अगर प्लेन एरिया होगी तो सॉइल बनी रहेगी और फर्टाइल होगी, राइट. सो नाउ लेट अस मूव फर्दर. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन. अब डिग्रेड हो रही है सॉइल, वी ऑल नो. नाउ हाउ वी कैन कंजर्व सॉइल, राइट. किस तरह से कंजर्व करना है, कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट. जब हमने प्रॉब्लम देख ली कि सॉइल डिग्रेडेशन है, हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर दिया, देन नाउ वी हैव टू सी द सॉल्यूशन कि डिग्रेडेशन कम कैसे करना है, राइट. सो सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स. सो सॉइल का जो इरोजन होता है, सॉइल जो डिप्लीट होती है, सो ये मेजर थ्रेट्स होते हैं सॉइल को एज अ रिसोर्स, राइट. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. ह्यूमन फैक्टर्स भी और जो आपके नेचुरल फैक्टर्स हैं, दोनों जो है वो अफेक्ट करते हैं सॉइल की डिग्रेडेशन को. फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव, ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, आपके पेस्टिसाइड, रेन वॉश जो जो आपके बारिश है कई बार बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. देन योर लैंडस्लाइड एंड योर फ्लड्स. सो दीज आर द सम मेजर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, राइट. नाउ लेट अस सी सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. सो फर्स्ट वी हैव मल्चिंग. द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ. जो आपका बेयर जो ग्राउंड होता है, यू नो, बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के साथ उसको जो है कवर किया जाता है, लेयर जैसे बना के स्ट्रॉ की तरह. एंड इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, जिससे कि सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बना रहे. देन वी हैव कंटूर बैरियर्स. स्टोन, ग्रासेस, सॉइल आर यूज टू बिल्ड अलॉन्ग कंटूर्स. ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर टू कलेक्ट वाटर. एक ऐसे लेयर्स में लगाए जाते हैं बिल्कुल यूनिफॉर्म, राइट. उनको कहते हैं कंट्रोल बैरियर्स, ताकि वो पानी रुक सके. देन वी हैव रॉक डैम. रॉक डैम आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. सो रॉक डैम क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वाटर का जो फ्लो है वो स्लो हो. एंड दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस. जो गलीज बनती है सॉइल आपके पानी के से, आपने देखा होगा, तो वो भी जो है नहीं बनती है. एंड फर्दर सॉइल लॉस भी जो है रिड्यूस हो जाते हैं. फिर हमारे पास टेरिस फार्मिंग. ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरिस आर मेड ऑन स्टिप स्लोप्स, सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स. दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन. अब जो टेरिस फार्मिंग में क्या होता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी. आगे होगा ये आपका टेरिस फार्मिंग, राइट. इसमें क्या होगा, इस तरह की लैंड है यहाँ पे, इस तरह की टेरिस की तरह आपके स्टेयर्स की तरह जो है रिटेनिंग वॉल दे के जो है इस तरह का फ्लैट जो है आपका एक ब्रॉड फ्लैट लैंड बना देंगे. एंड इस तरह से क्या होगा, क्रॉप को उगाने के लिए आपके पास जगह भी हो जाएगी. एंड एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पे जो पानी है वो भी रुक जाएगा और सॉइल का इरोजन भी नहीं होगा, राइट. सो दिस इज योर टेरिस फार्मिंग. देन वी हैव इंटर क्रॉपिंग. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज and are sown at different times to protect the soil from rain wash. So it's easy कि जो different जो crops है वो grow की जाती है आपके rows में, you know, अलग अलग rows में.
सो दैट कि डिफरेंट टाइम्स में, सो दैट कि जो सॉयल है वो जो है पानी को कंज्यूम करे, प्रोटेक्ट करके रखे राइट सॉइल को. देन सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन ही है हमारे पास. कंटूर में हमारे पास आगे आता है जो पल्टरिंग है. सो पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर ऑफ वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप. इसमें क्या होता है, आपका नेचुरल फ्लो बना देंगे आपके वाटर का, कि एक साइड से वाटर जो है वो एक कैनल की तरह जो है आपके फ्लो होता है, तो एक ही साइड से जाएगा पानी, पानी के लिए यानी कि रास्ता एक तरह से बना देना. देन शेल्टर बेल्ट्स में क्या आता है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मोमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल. कोस्टल एरिया में और ड्राई रीजन में जो पौधे हैं वो जो है एक डायरेक्शन में, एक ही लेयर में, एक ही रो में जो है वो आके प्लांट किए जाते हैं, ताकि विंड की मूवमेंट पता चले, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द सॉइल राइट. सो ये आपका हो गया सॉइल कंजर्वेशन. देन लेट अस टॉक अबाउट द वाटर, बिकॉज वाटर भी हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. सो वाटर जो है विटाल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, एंड 3/4 ऑफ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर राइट. इट इज देयर फॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड वाटर प्लैनेट. 4 भाग अगर हम करें पृथ्वी के, तो 3 पार्ट में आपको वाटर मिलेगा, 1 भाग में आपको लैंड मिलेगा. कहने का मतलब ये है इसका राइट. तो इसीलिए जो है अर्थ को वो वाटर प्लैनेट कहा जाता है. इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन ईयर बैक, एंड इवन टूडे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ. अब ये क्या कह रहा है कि आपके प्रिमिटिव ओशंस में, प्रिमिटिव टाइम में अगर आप देखो तो लाइफ वहाँ से बिगिन हुई है 3.5 बिलियन ईयर बैक. और अगर आप जो भी देखोगे 1/3 जो पार्ट है वो कौन कवर करता है, आपका ओशन राइट, और सपोर्ट करता है रिच वेराइटी ऑफ प्लांट को और एनिमल लाइफ को. द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन होता है, यानी कि आपके नमक वाला होता है, विच इज़ नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो अच्छा नहीं होता है राइट, फिट नहीं होता है. फ्रेश वाटर अकाउंट ओनली अबाउट 2.7%, नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट. 2.7% जो फ्रेश वाटर है उसमें से 70% आपको कहाँ पे होगा, आइस शीट्स में होगा, ग्लेशियर में होगा, एंटार्क्टिका में, ग्रीनलैंड में होगा, माउंटेन रीजन में होगा. बट यू नो बट क्या होता है, ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल. ऑफ कोर्स जो पानी है वो आइस शीट में, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, वहाँ तो कौन नहीं जाएगा फ्रेश वाटर के लिए. ओनली देन 1% जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है आपके, विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन बींग ऑल्सो टू यूज़ यू नो फ्रेश वाटर. सो जो आपका 1% फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन बींग यूज़ कर सकते हैं, वो एज अ ग्राउंड वाटर है, एज अ सरफेस वाटर है, रिवर्स में, लेक्स में, एंड वेपर्स में इन दी एटमोसफेयर राइट. नाउ जो आपका फ्रेश वाटर है इज देयर फॉर जो है मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है, रिसोर्स है ऑन दी अर्थ, बिकॉज हमारे पास फ्रेश वाटर ओनली 1% अवेलेबल है. वट यू कैन नाइदर बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, ना आप पानी को घटा सकते हो ना ही आप इंक्रीज कर सकते हो फ्रॉम दी अर्थ, बिकॉज इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. हाउ यू नो इट्स अबंडेंस ओनली सेम टू बी वेरी बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट मोशन साइकिलिंग थ्रू द ओशन. अब ये हमें लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इट हैज़ अ यू नो अ प्रॉपर साइकिल. आपका जो पानी है वो एयर में होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में लैंड होता है, वाटर लैंड में होता है, लेक्स में होता है ना वाटर की फॉर्म में. एंड ये जो पानी है ना आपका, जैसे आपकी यहाँ पे ये लेक है राइट, इवेपोरेट होके एयर में चले जाना है. यहाँ पे एयर में जब ऊपर हाइट में पहुँचेगा तो कंडेंसेशन हो जाएगी, क्लाउड्स बनेंगे, तो फिर दोबारा जो है रेन होगी वाटर की फॉर्म में, दोबारा लैंड सरफेस में आएगा. और ये जो सर्कल है ये चलता ही रहेगा. इस तरह से जो वाटर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, ना ही हम वाटर को ऐड कर सकते हैं ना ही इंक्रीज कर सकते हैं. सो लेट अस सी कि क्या है इसमें. इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू बी वेरी बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट है, मोशन में रहता है, साइकिलिंग थ्रू द ओशन, एयर में जाता है, लैंड में जाता है, बैक अगेन आपके इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ के थ्रू जो है वापस आपकी ज़मीन में आता है, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं राइट. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. नाउ ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग,
बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जो ह्यूमन है वो यूज़ करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को, ना केवल पीने के लिए, ना केवल वॉशिंग के लिए, बट प्रोडक्शन में, बहुत से इंडस्ट्रीज में यूज़ करता है, राइट. वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेजेस. इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं आपका, इंडस्ट्रीज में हम यूज़ कर सकते हैं वाटर को. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड ऑफ फूड, कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर मेजर फैक्टर्स जो कि लीड कर रहे हैं शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, राइट. एंड आपका आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्स और वाटर पॉल्यूशन. एक तो डिमांड इंक्रीज हो गई, दूसरा क्या है कि जो वाटर के जो रिसोर्स है वो ड्राई हो रहे हैं और वाटर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है. नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. वी ऑल नो देर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड. पानी की बहुत ज़्यादा कमी है फ्रेश वाटर की अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए में, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में, एंटायर ऑस्ट्रेलिया जो है वो फेस कर रहा है शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर. है तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ओशन के साथ है, स्टिल ऑस्ट्रेलिया जो है वो फेस कर रहा है फ्रेश वाटर के लिए शॉर्टेज, क्योंकि फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है उनके पास. कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन ऑफ मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी. दस वाटर शॉर्टेज में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन. तो इसमें क्या होता है, जब वाटर की शॉर्टेज होती है तो क्लाइमेट चेंज में ये काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करता है. एनुअल प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन आ जाएगी, सीजन में वेरिएशन आ जाएगा. स्कर्सिटी इज़ कॉज बाई ओवर एक्सप्लाइटेशन. कमी क्यों हो रही है, बिकॉज कुछ कंट्रीज़ जो है जिनके पास अच्छा खासा रिसोर्स है वाटर का, वो ओवर एक्सप्लाइट करती है रिसोर्सेज को और कंटेमिनेट करती है वाटर के रिसोर्सेज को. तो ये दो चार चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से जो है पानी की कमी हो रही है, राइट. मेजर कॉज यही है, ओवर एक्सप्लाइटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, राइट. सो आगे का जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर हम इसी में डिस्कस करते तो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाना था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू पीपल विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय एंड टेक केयर.